गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक। तो आज का जो वीडियो है वो शायद एक स्टोरी बताएंगे। मुझे भी नहीं पता अभी तक वो किस बारे में और किसके रिलेटेड है, तो आइए सर से ही सुनते हैं। किस अभी इन लोगों किसी को कुछ बोले नहीं हम। मेरे को ये अचानक से आया ग्रुप में एक, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं बोलते, पहले हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? ख़त्म हो रहा हूँ मैं अपनी कहानी में, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपसे मैं अपनी ज़िंदगी के फेलियर से परेशान था, कब तक सहन करता? जो अब करूँगा वो पहले ही कर लेना चाहिए था। बस रुका था तो लाइफ इंश्योरेंस की वजह से, उसको दिसंबर में कंप्लीट होना था। उसके क्लेम से कुछ हेल्प मिल जाती है आपको, लेकिन क्या करूँ अब नहीं रहा जाता। इतना फेलियर अब सहन नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है, फिर भी मुझे उस मेहनत का फल नहीं मिला। मुझे कामयाब बनाने में आप लोगों ने सब दांव पर लगा कर रख दिया। मुझे याद है वो सब, घर में कोई सामान नहीं आता था, जितनी इनकम थी सब मेरी फीस और पीजी में खर्च हो जाती थी। आप सबके इतना कुछ करने के बाद भी मैं आपको उसका रिटर्न नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। तो अभी जो आप लोग सुने वो कोई मजाक नहीं था, ये एक ग्रुप में आया है मेरे, और ये एक एस्पायरेंट का ही, जो कि आप कह सकते हो एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट, ठीक, बिल्कुल सही सुना आपने, जो हम लोग खुद क्रैक किए, जो खुद एग्ज़ाम निकाले, उसी एग्ज़ाम के कारण एक लड़का है, एक एस्पायरेंट है, और ऐसे कई सारे एस्पायरेंट्स होंगे। एक मिला, पता नहीं कितने तो खो जाते हैं कहीं पे, पता नहीं रहता इनका मिला। ये इनकी स्टोरी है, और ये आज हमारे साथ नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और मेरे को मतलब जब हम पढ़े तो मेरे को बहुत इमोशनल और बहुत गुस्पम जैसा फील हुआ था। मेरे को लगा आपसे इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम निकल रहा है तो पार्टी मना रहे, ये कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, फैमिली रिएक्शन आप सब देखते हो, लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता उसके बारे में दीपक कोई बात नहीं करना चाहता। जैसा कि सर ने बोला कि उसने सुसाइड कर लिया है, मतलब सुसाइड एक अल्टीमेटम, मतलब सबसे ख़राब चीज़ होता है, मतलब आखिरी जो चीज़ होता है, इंसान मतलब सोच के भी मतलब डर लगता है भाई, सुसाइड कर लिया उसने। सुसाइड मतलब ऐसा है कि मतलब जब उसको मतलब उसके लाइफ में कुछ नहीं है, तुम सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मतलब कैसा किसी इंसान का मेंटल हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। हम लोग तो सुसाइड करने के लिए कितना गट से कैसे कर लेता है, बहुत सारी बातें हैं। मेरे को लगा कि शायद, मेरे को ऐसा नहीं पता आप में से कौन इस फेज से गुजर रहे हो, लेकिन देखो मेरे को इतना पता है हर किसी का एग्जाम तो नहीं निकल सकता ना यार, ये एक डार्क साइड है गवर्नमेंट जॉब्स का भी। मतलब सही बात है, हम भी सोचते थे कभी, मतलब बहुत एग्जाम होता है, आईआईटी होता है, नीट होता है, तो उसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब मजा आ गया यार ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन सच में होता है भाई उसी, मतलब जिसका नहीं निकलता उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे तुम्हारा निकल गया तो तुम तो खुशी बना रहा है भाई, पार्टी कहाँ करना है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन दूसरा का लाइफ के बारे में कोई जानना नहीं चाह रहा ना, वो सुसाइड कर लिया तो उसका फेलियर कोई नहीं देखेगा, और फेलियर्स को कोई समझना भी नहीं चाहता है। आप अगर फेल हो गए ना एग्जाम में, आपके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, आपका खुद का परिवार आपको कुछ बात नहीं करेगा, कुछ आपको मतलब इग्नोर कर देता है टोटली। समाज आपको ऐसे, समाज बोलेगा तुम तो, और सब सबका मुंह में यही रहता है लड़का मेहनत नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। ये लड़का का भी आप देखे हो गए, इसने लिखा है कि मैंने पूरी मेहनत की। देखो सच्चाई यही है गवर्नमेंट जॉब का कि 40 लाख लोग फॉर्म भर तो देता है, लेकिन जॉब तो कुछ 5-6 हज़ार का ही लगना है। अब ये चीज़ तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हर कोई सक्सेसफुल होगा। 39,95,000 बच्चों का क्या, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। टीचर्स भी यार सिर्फ टॉपर लोगों को ही बुलाते हैं, कभी यार फेलियर से भी बात कर लिया करे, कभी उनके बारे में भी कोई बात करे। अब इसका सॉल्यूशन मेरे को तो नहीं पता, हम लोग तो समझ भी नहीं सकते जो ऐसे लोग के मेंटली बीतता है। सुसाइड जो करता है मतलब मेंटली उसका जो पोजीशन रहता है वो मतलब सुसाइड करने वाला ही रहता है। अगर आप अगर जाके समझाएंगे उसको, हम अगर समझाएंगे तो नहीं समझेगा, उस स्टेज में जो रहता है उसी को पता चलता है, और सोसाइटी वैसा कर भी दिया है हम लोग को। सुसाइड करने से पहले एक बार खाली अपना मम्मी पापा के बारे में सोच ले, वो तो कभी नहीं। और आप इस दुनिया से चले गए तो फिर क्या हुआ? फिर वो जो जितने आप लिख रहे हो कि आप लोग मेहनत की, वो थैंक यू कह रहा है ना अपने माँ बाप को सबको, तो फिर रहा कि आप लौटा कहाँ पाए? आप सोच रहे हो इंश्योरेंस का पैसा दे दिए तो हो गया, यही लाइफ होता है। और हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर आज के टाइम में अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, लोग यार पीजी में रहता है, महीना खर्चा 10,000 रुपया होता है बाहर का,
यार अगर फैमिली कंडीशन नहीं है तो आप मत जाओ बाहर, आजकल तो ऑनलाइन तैयारी सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों आप इतना प्रेशर लेकर पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है यार। सुसाइड करता है लोग छोड़ता है सोशल मीडिया में, सोचता सिंपैथी मिलेगा बाद में, तो सिंपैथी तो मिलेगा लेकिन तुम तो चल गया भाई, अब दुनिया तो आप चले गए, अब लोग आपको याद करेंगे एक दिन दो दिन, दुनिया को नहीं पड़ता तुम क्या फर्क पड़े, जब तक माँ बाप जिएगा उनको ही फर्क पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत को ही देखो, सही बोल रहे हैं राजीव कि जो आपसे लोग कनेक्टेड हैं उनको ही समझ में आता है, उनका लाइफ बिजेर हो जाता है पूरा, आपको आप तो चले जाते हो, जिनके साथ कुछ होता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिनके साथ मतलब जो उनसे लोग कनेक्टेड रहते हैं उनको फिर झेलना पड़ता है आगे का फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना था कि देखो हो सकता है यार आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे ही दीपक, क्योंकि यार देखो अभी हम आप लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, 40 लाख लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो 39,95,000 लोग फेल करेंगे, ये हार्ड एंड ट्रू फैक्ट है, सिर्फ 5,000 बच्चे उसमें आप कह सकते हो सक्सेसफुल होंगे, है ना। अब क्या 39,95,000 क्या कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, ऐसा थोड़ी है भाई, अगर फिर वैसा सोच लेगा सबका मेंटालिटी वैसा हो जाएगा तो फिर कैसे हो, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, यही है कि आप एक चीज को लेकर इतना ज्यादा अपने दिमाग में मत लो। अब आप अगर CGL की तैयारी करते हो या फिर जैसे दीपक बोला IIT नीट सब हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो भाई ऑब्वियस है कि 99.99% बच्चे फेल करेंगे, हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने होंगे, हाँ कोई बात नहीं है यार। और हम आपको हमेशा हम लोग शुरू से यही बात बोलते आए हैं कि बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को, चाहे वो प्यार हो, फैमिली हो, दोस्ती हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, पूरा अपना जान नहीं झोंक देना है पूरा कि यही है जो है, नहीं तो फिर जब वो चीज जाएगा ना तो ऐसा ही होगा आपके साथ, आप सब कुछ मान लेते हो, आप सोचते हो यही मेरी लाइफ यही मेरा, और जब वो चीज आपसे छीन जाता है या नहीं मिलता आपको तो फिर आप ऐसा कुछ स्टेप लेते हो। तो अगर आप अपने आप भी कोई फेल किए हो, फेलियर नहीं बोल रहे हम, आई एम वेरी सॉरी वर्ड को यूज किए, लेकिन मान लेते हैं आपको एग्जाम में फेलियर हो गए, तो आप लाइफ में फेलियर नहीं हो, आगे और भी चीजें हैं, बहुत कुछ है यार, सरकारी नौकरी का सब कुछ है, डॉक्टर इंजीनियर, मेरा भी मन था बहुत इंजीनियरिंग करने का, ठीक है, बट हम नहीं कर पाए फैमिली कंडीशंस के कारण, नहीं निकला नहीं कर पाया IIT की तैयारी, तो क्या नहीं हुआ आगे सरकारी नौकरी लगा। सुसाइड कौन करते जो सेल्फिश रहता, माँ बाप के बारे में नहीं सोचा वो कर लिया, सही बात है, क्योंकि माँ 9 महीना रखी है और कहीं ना कहीं कायर भी रहता है, हाँ। अंदर से वो लोग कायर होते हैं। दुनिया वाला क्या है भाई, दुनिया वाला को जज करना है, वो लोग का काम है जज करना, तुम बेटा उसको ले लोगे माइंड में तो फिर कैसे होगा भाई, 40 लोग 40,000 बातें कब तक कितनों की सुनोगे, एक दो दोस्त हो ऐसे जो आपको सही डायरेक्शन पे गाइड करे, लेकिन मेरे को ऐसा हम बोलेंगे हर इंसान के वैसा दोस्त होना चाहिए कि मन का बात बोल सके, क्योंकि मन का बात बोलने से बहुत मतलब हेल्प होता है, है ना। अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त है ना जो आप कभी कॉल करते हो या फिर आ जाते हैं तुरंत, तो ये चीज ना एक अलग सा पावर देता है, और कहीं ना कहीं जो लोग बाहर तैयारी करते हैं बाहर रहते ना उनको ये चीज नहीं मिल पाता है, सोशलिज्म कट हो जाता है ना, वो एक अकेले कमरे में होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा ये सब स्टेप ले लेते हैं। तो यही हम ये जो वीडियो था ना इसमें हम लोग यही बात करने वाले कि गवर्नमेंट जॉब्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एक डार्क साइड भी होता है जिस बारे में कोई बात नहीं करता, तो इसीलिए ये थोड़ा अलग वीडियो था, हमको पता नहीं आपको कैसा लगा, जो भी था बस यही आपको कहना है कि अगर आप भी फेल हुए हो कोई बात नहीं, ए में फेल हुए बी में जाओ, बी नहीं मिलेगा सी मिलेगा, सी नहीं मिलेगा डी मिलेगा, हो सकता है यार आप बिजनेस कर लो साला कोई बढ़िया, आपका बिजनेस करोड़पति आपको बना दे, कौन सा जॉब आपको करोड़ रुपया देगा बोलिए राजीव, कोई जॉब नहीं देने वाला आप किसी का, तो एग्जाम निकल जाता है वो लोग 2 मार्क्स के लिए मतलब मेडिकल, अरे यार हाइट के लिए छटा है तो वो लोग कितना खराब लगता है। नहीं 1% लक वाला बात एकदम सही है, बस यही हताश ना हो निराश ना हो, ठीक है, और बाकी अगर आप अपना बेस्ट अगर दिए हो और उसके बाद भी आपको नहीं मिला वो चीज जो आपको चाहिए, ठीक है यार कोई बात नहीं, कुछ अच्छा और होगा आपके लिए वेट कर रहा होगा, वैसा ही थोड़ा ना कि वही चीज एकदम मतलब चाहिए, ठीक है, एक ड्रीम होता है सबका कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है वो वाला मिल जाए तो अच्छा, ठीक है यार नहीं मिलेगा लाइफ थोड़ी ना खत्म कर लेगा, एक ही को तो लाइफ उसमें सही यार लेगा। अब क्या वो लड़का तो चला गया SSC CGL करता था, अब तो वो चला गया यार, CGL नहीं निकला तो क्या मतलब यार जान दे देगा आदमी कैसे यार, और बता दीपक ऐसा एक नहीं है ऐसे बहुत केसेस है, ये तो एक सुसाइड लेटर मेरे पास आ गया किसी तरह, नहीं तो कितने लोग तो थोड़ी लेटर लिखते वो तो चले जाते दुनिया से और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसीलिए बस यही आपको बताना था कि एक डार्कर साइड भी है, तो यार देखो प्रिपरेशन कर रहे हो एक चीज याद रखना 40 लाख में से 39,95,000 बच्चे तो फेल करेंगे, सब नहीं पास हो सकते, ठीक है, ये एकदम हार्ड एंड ट्रू फैक्ट है, नहीं हुआ बेस्ट अगर दिए थे नहीं हुआ तो फिर हो सकता है आपके लिए कुछ बेटर, ठीक है, बात करिए अपने दोस्त से एकदम सही, ये अपना मन में कोई बात रहा तो लोग सॉल्यूशन देगा,
ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर आपके पास कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बात नहीं कर सकता, लोग समझ सकते हैं आजकल, नहीं बात करते, लेकिन दोस्त से बात करो भाई, तो वो लोग का सोल्यूशन देगा और समझेंगे, बोलेगा भाई सोसाइटी ने मदद जा कर ले सोसाइटी, नहीं कभी नहीं बोल सकता ऐसे, कभी भी नहीं बोल सकता वो, आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, सुसाइड अगर सोल्यूशन रहता तो हम लोग का देश का पॉपुलेशन आधा हो जाता, उससे भी कम हो जाता है। कम्युनिकेट करिए जो भी इश्यूज है, ठीक है, बाकी जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सबसे हम निवेदन करना चाहेंगे, एक चीज हम देख रहे हैं, देखते हैं कि जो लोग यार लाइफ में कुछ कर लेते हो बाकी लोग कुछ समझते नहीं, फेलियर लोगों, जैसे कोई अगर सीजीएल निकाल लिया या कोई और गवर्नमेंट यूपीएससी निकाल लिया, तो बाकी एस्पायरेंट जो फेल किए उन लोग लगता है यार तुम लोग क्या किया, देखो हम तो ये कर लिए, और बड़ा शो ऑफ करते हैं यार ऐसे ना करे, उनके हो सकता है उन्हें अभी ना मिल रहा हो वो चीज, आगे जाके आपसे बेटर वो कर ले, आपका जितना रैंक है उससे अच्छा रैंक में सिलेक्शन ले, तो अपने से कम वालों को कभी यार कम मत समझना, एस्टीमेट किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो कुछ कर भी ना रहा हो अभी, बट डोंट अंडर एस्टिमेट, सबको इक्वली ट्रीट करे, रेस्पेक्ट दे। जीवन में आप अगर कहीं जाओ तो अगर आपको आपके जॉब के लिए इज्जत मिले ना, तो वैसा इज्जत कभी लेना मत भाई, है कि नहीं? अगर आपको आपके अगर आपको बोलना पड़े कि हम सरकारी नौकरी वाले हैं, तो थू है ऐसी सरकारी नौकरी और ऐसे कॉर्पोरेट जॉब या सब बिजनेस पे, लोग आपको इज्जत आपके अगर स्वभाव के लिए, नेचर के लिए दे, तो उसका मजा अलग, जीते जी भी पाइए वो मरने के बाद कोई भी रहे, फैमिली भी पाएगा, एक प्रधानमंत्री से एक आईएएस ऑफिसर कोई भी रहे, उसको मतलब अपना पोस्ट से इज्जत नहीं मिलता कभी, वो इंसान अच्छा होता है इसीलिए इज्जत, अब वो जो मिलता भी वो तो झूठ मूठ का रहता है, वो तो झूठा है, वो तो उस पोस्ट का इज्जत है, पोस्ट बोल के इज्जत क्या करोगे, तो आप इंसान अच्छे रहेंगे तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। बहुत सही, आप कुछ करो या ना करो यार, सभी से निवेदन है एक बेटर इंसान जरूर बनना, ठीक है, जॉब ये सब चीज बहुत छोटी छोटी चीजें है जीवन की, आज नकल हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लो, जॉब और पैसा ही सब कुछ होता तो फिर तो फिर पैसे वाले सुसाइड क्यों करते भाई, है ना, पैसे वाले कितने सही बात है, और सुशांत सिंह राजपूत क्या कमी था उनको, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, सुन के यकीन नहीं होता। बस इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी इशू हो रहा, कोई भी दिक्कत हो रहा, हमें कमेंट करिए, हाँ आप हमारे सॉल्यूशन देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करेंगे हम अपने बेस्ट, जितनी हम अपने एक्सपीरियंस हम लोग सीखे हैं उससे आपको हेल्प कर पाए। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर हम, ये थोड़ा अलग वीडियो था, हमको लोगों को लगा कि इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस सक्सेस बहुत हो गया, पार्टी पार्टी वो सब चलता रहेगा, देखो वो तो एक लाइफ का पार्ट है, पर ये भी एक पार्ट है, इसको भी हम लोग समझते हैं और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और बस यही है, आगे मिलेंगे आपसे और सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय।